की मजबूरी है, कानू की मजबूरी है, सुतरगुल की मजबूरी है। जताने की कोशिश नहीं की जाएगी कि मैं जनाब फलाना मारका मारिया, फलाना मारका मारिया, फलाना जगह गयो, जो भी काम कियो थारी राय के नाल कियो, खासकर इस इलाका में। गुलाम नबी आजाद साहब एक साफ सही बेदाग लीडर हैं, तो हमारा मन हमारे दिल ने कहा कि हम अगर काम करना चाहें तो गुलाम नबी आजाद साहब के साथ मिलके हम काम करेंगे, क्योंकि एक साफ सुथरी छवि का लीडर है, तो हमारा दिल में ये बात है कि हम उसके साथ ही मिलके आगे आने वाला वक्त मुस्तकबिल इस आवाम का जो है वही नज़र आ रहा है, कोई दूसरा नज़र नहीं आ रहा है। काम किए हैं, तबाही के काम किए हैं, जो भी आज तक किया है उन्होंने बर्बादी का काम किया है। कश्मीर को यहाँ तक जहन्नम बनाने में जो रोल किया है यहाँ के जो लीडर थे उन लीडरों ने किया है। गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसा है, साफ सुथरा, एक अच्छा इंसान है, एक क्वालिटी है गुलाम नबी आज़ाद की। गुलाम नबी आज़ाद ने यहाँ ही रियासत में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर गुलाम नबी आज़ाद का रोल रहा है, और जहाँ भी रोल रहा है बड़ा क्वालिटी का रोल रहा है, और इस आवाम के दिलों के अंदर गुलाम नबी आज़ाद इस वक्त राज कर रहा है। और हमारा भी माइंड ये है, हम भी चाहते हैं दिल की खुशी से कि हम ऐसे शख्स के साथ मिलकर काम करें जिसको काम की कदर हो, जो काम की कदर जाने। ये जो जिन लोगों को पता ही नहीं है, जिन लोगों को अपनी मस्ती में सोए हुए हैं, वो जिनको पहचान ही नहीं है कि किस आदमी की कितनी ताकत है, कौन आदमी क्या कर सकता है, तो वैसे लोगों को क्या करना, वैसे लोगों को क्या कहना। जी ये उनकी बचपना कुछ इस तरह की बातें हैं, ऐसा तो कोई है नहीं है। जैसे कि गुलाम नबी आज़ाद के बारे में वो कह रहा है, गुलाम नबी आज़ाद एक साफ छवि का लीडर है, गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी ज़िंदगी बड़ी क्वालिटी की गुजारी है, गुलाम नबी आज़ाद किसी का उस तरीके से कोई वो बनने वाला नहीं है, गुलाम नबी आज़ाद की जो अपनी सोच है, गुलाम नबी आज़ाद अपनी सोच को आगे लेके चलने वाला है, वो अपनी जमात को कायम करेगा और उस जमात के साथ हम सारे लोग मिलेंगे और इस रियासत की बेहतरी के बारे में सोचेंगे, यहाँ का बेरोज़गार यूथ नौजवान जो है उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे इंशाअल्लाह रहमान। हमें ये सारी उम्मीदें हैं कि वो शख्स के अंदर ये सलाहियतें सारी हैं। ये जितने बाकी के लीडर थे ये तो सिर्फ अपनी कुर्सी और खाने के लिए, इनको तो किसी बात का दूसरा कोई था नहीं था, ये तो सिर्फ प्रोटोकॉल ढूंढते थे, ये तो उसी में गुम है, इनको तो पता ही नहीं है सफ़ेद कैसा होता है और ब्लैक कलर कैसा होता है, इनको तो ये सफ़ेद और काले में फ़र्क नहीं नज़र आता। तो किन लोगों की बात कर रहे हो आप, किन लोगों की बात कर रहे हो जी? इंशाअल्लाह रहमान मेरे लारनू से, पूरे डिस्ट्रिक्ट से हमारी आवाम, हमारे लोग जो हमारे साथ मिले हुए हैं अल्लाह के फजल से, वो सारे लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब का इस्तकबाल करने के लिए बिल्कुल भरपूर तरीके से अपने टाइम पर पहुंच के अपने प्यारे लीडर का, अपने स्टार लीडर का, अपने उसका स्वागत करने के लिए हम सारे इंशाअल्लाह रहमान वहाँ हाजिर होंगे। जी लारनू में आप अपनी पोजीशन किस तरह देखिए? इंशाअल्लाह ये सामने है, मैं अपनी पोजीशन कैसे देखूंगा, ये पोजीशन आवाम की है, ये मेरी पोजीशन नहीं है, ये आवाम की पोजीशन है, ये आवाम अपनी अपना और हारून साहब के जितने भी साथी यहाँ आए हैं सबको मुबारकबाद और उनका वेलकम करता हूँ। क्या आप लोगों के साथ, हारून साहब ने कसम खाई थी कि मैं पूछ के जाऊंगा जिस पार्टी में नहीं जाना है, तो पहले आप लोगों से इजाजत ली गई, फिर आज गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी को ज्वाइन करके फिर भी आपको बुलाया गया और बहुत से लोगों ने हमारी नकल की है, हमें फायर है इसके इस चीज का। तो मैं दो तीन चार बातें कहना चाहूंगा अपने नौजवानों से। क्या हारून साहब वो शख्सियत है जिसने 30 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वफादारी की है और गौतम फाड़ के रियासत से बाहर फेंक दिया और हमें 370 के बिना यहाँ पे रियासत में बैठना पड़ा। आज भी हमारे इलाके के लोग, हमारे नौजवान लड़के इस उम्मीद में बैठे थे कि हमें नौकरियां होंगी, आज हमारी नौकरियों पे भी बाहर वाले आके यहाँ पे हुकूमत करेंगे, लिहाजा हमें आज जुड़ के रहना है।